लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Stand by for an important broadcast. INA leader Subhas Chandra Bose wants to read out a message for you. Dear Emilie, so many have loved me before you, but I've never looked at them. বুঝলে তোমরা তারপর আমরা ঘুরতে থাকবো আমি हमारी नंदिनी को भी बुलाया है। Congratulations. Thank you. कुछ हिंदुस्तानी तो चाहिए सजाने के लिए भाई हम तो वो हिंदुस्तानी हैं जो नंदिनी आओ हमने नंदिनी को ब्रिटेन के सबसे अच्छे फिनिशिंग स्कूल में भेजा है कैसी अंग्रेज होकर निकली है देखिए ना सुभाष तुम नंदिनी को छत पर लेकर जाओ ना पतंग दिखाने बौदी इधर से ही है ना रास्ता अरे नंदिनी यहीं से देख लेगी ना पतंग वो अकेली लड़की के साथ कहाँ ऊपर भेज रही हो क्या बौदी मुझे सुभाष पर पूरा भरोसा है जाओ बेटा जाओ 1921 कलकत्ता बोस बाबू ने इंडियन सिविल सर्विस पास कर लिया था पतंगबाजी का मौसम था बच्चों में पतंग लूटने की होड़ थी और माओं में अपनी लड़कियों के लिए लड़के लूटने की मैं भी आती हूँ और सुभाष बाबू सबसे ऊंची उड़ती पतंग थे वो काली वो नीली वो हरी चलो सुभाष थोड़ी मदद कर दो ICS मुझसे मिलने से पहले रिसर्च करके आई हो मैंने नहीं माँ ने की तुम्हारी माँ की रिसर्च अधूरी है क्यों मैंने नौकरी छोड़ दी सरत हाँ माँ जब भी कोई अपनी बेटी लेकर आता है ना मेरी तो सांस फूलने लगती है तुम एक काम करो अपने अखबार में खबर छपवा ही दो अच्छा नहीं लगता इस तरह बार बार कहना क्या कि सुभाष इंडियन सिविल सर्विस में चौथी पोजीशन पर आया उसके बाद उस नौकरी को ठोकर मारकर वो भारत वापस आ गया कुछ भी छपवा दो छोटे बच्चों को बागड़ बिल्लों से डराते हैं और बेनीघाट की लड़कियों को सुभाष से
जाओ नीचे जाओ। नीचे जाओगे तो वापस ऊपर भेज देंगे। अच्छा बताओ तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? क्योंकि मुझे आजादी है, नौकरी छोड़ देंगे। तुमने कभी सोचा अंग्रेजों में ऐसा क्या खास है कि वो पूरी दुनिया में आजाद है और हम अपने देश में गुलाम हैं? कुछ लोग गुलाम हैं, हम नहीं। हमें तो आजादी है खेलने की, कूदने की, पतंग उड़ाने की। तुम्हें ऐसा लगता है नंदिनी? सिगरेट? नो थैंक यू। आजादी नहीं है पीने की? आजादी सिर्फ आदमियों के लिए है, औरतों का क्या? आजादी सबका हक है, पर क्या औरतें आजाद होना चाहती हैं? सुभाष ने इस्तीफा दे दिया? हाँ कालिंदी, मैं कह तो रही हूँ लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। पर बोधी, आपको बताना तो चाहिए था। और तुमने कहाँ बताया कि तुम रिश्ता लेके आ रही हो? नंदिनी, थैंक यू। क्या किया मेरी बेटी के साथ? वो सिगरेट पीना चाहती थी तो तुमने पिला दी। माँ चुप रहो तुम। आप पीती? सुभाष चुप रहो तुम। प्रिंस ऑफ वेल्स कलकत्ता आ रहे हैं। आई विल सी यू देयर। आई विल सी यू देयर सुभाष। आई विल सी यू टू। चलो। I will see you there, Subhash. No! Thank you. Nandini! Subhash! और कितनी बार बेइज्जती होगी हमारी? अच्छा वो पतंग? पता नहीं बाबा, ये रिश्ता लेके आने वाली औरतें भी बहुत डीट है, मानती नहीं। इतनी बड़ी बात का मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें पता है तुमने क्या किया? कलकत्ता की सारी कुंवारी लड़कियों का सपना तोड़ दिया मीम बनने का। इतनी बड़ी नौकरी थी? चाकरी थी बाबा, चाकर ही रहता मैं। अच्छा तो अब तुम क्या हो? क्रांतिकारी। गुलाम और क्रांतिकारी में सिर्फ एक ही फर्क होता है, नियत का। गुलाम की नियत होती है चाकरी, जी हुजूरी, और क्रांतिकारी की नियत होती है सिपाही। तुम लोग क्या हो? क्रांतिकारी। Darbari Lal, keep an eye out for anything suspicious. We don't know what Gandhi's planning. गांधी जी ने कहा है कि हम सारा अंग्रेजी माल का बहिष्कार करेंगे। हाँ गांधी जी कुछ बायकॉट वायकॉट का नारा किए हैं, पर ये सब छोटा मोटा तमाशा तो कोई पहले बार थोड़ी हो रहा है। इस बार हम अंग्रेजी माल का बहिष्कार ही नहीं करेंगे, इस बार हम अंग्रेजों को अपना माल बेचेंगे। इतना बड़ा प्रिंस हिंदुस्तान आ रहा है और बिना कुछ खरीदे चला जाए, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। जाओ बाकी सब लड़कों को बताओ। गठरी में क्या है? कपड़े। कहाँ ले जा रहे हैं कपड़ा? प्रिंस ऑफ वेल्स आए हैं, उन्हें खादी बेचना। प्रिंस ऑफ वेल्स आपका कपड़ा पहनेंगे? अरे इधर लाइए, इधर लाइए, कपड़ा पहनेंगे प्रिंस ऑफ वेल्स? भाई इधर खोलिए, तुरंत चेक करिए। सालों से हम जबरदस्ती उनका कपड़ा खरीद रहे हैं, एक बार हमारा खादी खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा? तुरंत खोल कर देखिए। ठीक ठीक लगा देंगे, 25 करोड़ की आबादी का मान रखने के लिए खरीद लें। Prince of Wales! Arey, Prince! Bose Babu! Kuch nahi hai, khadi hai usme. You've come to sell khadi to the Prince of Wales? Yes. It's called trade. Arrest him.
लेके चलिए सबको पुलिस स्टेशन। चलिए हमें तो रॉयल हाइनेस से मिलने नहीं दिया, पर तुम्हें आजादी है मिलने की। तुम्हें आजादी है। Hope you have a good time. Thanks. See you later. Oh, thank you so much. I hope you enjoy your stay. Thank you. Excuse me. Hello. Nice to meet you. Oh. That is going to be rupees 50, Your Highness. Excuse me? 50 rupees? For what? That is the price of our khadi. For all the cloth that you have been dumping on us from England. Welcome to India. Welcome to India. Excuse me. What is this? This woman misbehaved. अब तो आपकी नंदिनी अंग्रेज बनने से रही काकी माँ। बेकार में आपने फिश फोक, फ्रूट फोक, फिनिशिंग स्कूल। जानकी बाबू, ये आपका सुभाष, ये एक बीमारी है। नंदिनी इससे मिलने से पहले ऐसी बदतमीजी करने की सोच भी नहीं सकती थी। सबका दिमाग खराब किया हुआ इसने। माँ बेशी-बेशी हूँ, चुप थाको। पूरे कलकत्ता में नंदिनी अकेली लड़की है जिसने प्रिंस ऑफ वेल्स को खादी बेचने की हिम्मत दिखाई है। यू शुड बी प्राउड ऑफ हर। चुप रहो। ये तो बस शुरुआत है सुभाष। शिलाजीत सेनगुप्ता, सत्रजीत घोष, हिमाद्री चक्रवर्ती, आजिराज बंदोपाध्याय, शिव प्रसाद मुखोपाध्याय, Subhas Chandra Bose. Having been found guilty by us of offences under Section 294 and Section 268 of the Indian Penal Code for trying to sell khadi to the Prince of Wales, are hereby sentenced to 6 months imprisonment. 6 months? That's it? हमने कोई मुर्गी चुराई है क्या? Order! Order in the court! Are we being punished for stealing a fowl? Or maybe we should beat up one of her officers so that you can increase our imprisonment. The accused will maintain decorum in this courtroom. The police may proceed. Yes, my lord. Opium, cocaine. Hello, Gandhi. Gandhi ji. पहले opium और cocaine के smuggling की वजह से कैदी अंदर आता था, अब Gandhi की वजह से कैदी अंदर आता है। अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने लोगों को जेल में डालते हो, अच्छा लगता है? तुम्हारा मन नहीं करता गांधी जी के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़े? अब बहुत खुरा पाती हैं बोस बाबू। गांधी जी के बातों को खुराफाती कह रहे हो दरबारी? गांधी जी क्या किए थे? गांधी केवल बायकॉट किए, आप एक कदम आगे बढ़कर खादी बेचने लगे, फिर तब भी कहाँ खरीदा किसी ने? कंगलों की कौम है तुम्हारी अंग्रेज सरकार, फिर भी उनकी चाकरी कर रहे हो? अरे बोस बाबू, इतना सारा लोग अंदर आता है, शांति से 6 महीना अंदर रहता है, शांति से 6 महीना बाहर रहता है, शादी ब्याह भी करता है, आज़ादी का लड़ाई भी लड़ता है, एक आप ही पर माता आई हुई है, भारत माता। You'll be released tomorrow, 12 noon. Pack your belongings and be ready. Darbari, tumhare saab ko kabhi khadi chahiye to batana. Abhi bhi bahut maal bacha hai hamare paas. Apni kangal sarkar ki izzat rakhne ke liye khareed le. Waise bhi itne saal se hamare hi kha rahe hain. Don't think you'll get away with this, Bose. I always get away, Mr. Stanley. Bose got away. The Japanese press has not one mention of the crash. A plane crashes and not one mention of it. Are you quite sure you're not obsessed with him? Why would he stage his own death? Sir, I know him. I've watched him from close quarters.
He plays everything like a game of chess. While you're busy saving your queen, he's already attacked your king, and before you know it, checkmate. Do not contribute to the hysteria which is already out there. Checkmate. Mr. Nehru, I have a reliable source who tells me he saw Subhas Chandra Bose in Saigon 11 days after his supposed demise. What do you have to say about that? I have no comments on that. No more questions, please. Bose जिंदा थे? या हो सकता है हजारों लोगों के विश्वास ने उनकी याद में सांसें फूंककर उन्हें जिंदा कर दिया था। Emily, you call. Operator speaking. Yes, sir. I'm connecting you to the line too. Thank you. रेडियो पे अनाउंसमेंट सुनने के बाद से एमिली का सारा ध्यान रेडियो पर ही लगा रहता था। ना जाने कब उस तरफ से बोस की आवाज सुनाई दे जाए। 165 खत, 9 साल और 8 अलविदा के बाद एमिली को बोस के इंतजार की आदत पड़ गई थी। Who switched off the radio? बोस की मौत पर उठ रहे सवालों से जहां एक तरफ एमिली बेचैन थी, वहीं दूसरी तरफ स्टैनली को भी चैन कहां था। एक तरफ बोस की मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ अंग्रेजी अफसर। लेकिन दोनों में एक बात आम थी, दोनों को यकीन था कि बोस वापस जरूर आएंगे। इंतजार था तो बस उस कड़ी का जो बोस तक पहुंचाने में मदद करे। को आपके बारे में मालूम पड़ गया है, आपको यहां से निकलना पड़ेगा। आजादी रे डाक लाख 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 शब्द चुरु चोके चोक राख राख रंगून थे के टोकियो शबाक ब्रेंडीरो बको बोगारो साहस तारा लो उठे से दारा लो नतुनेर दाबी स्वाधीनता चाबी आजादी चाई मोने मोने भाबी कारण में सबसे विध्वंस विमान में मरे ना मरे सवाल बस बना है